ये स्टार्टिंग पे रहे साबुत चावल में, ये 210 रुपए किलो है। ये तो बिल्कुल साबुत है और 210 रुपए किलो। जी साबुत चावल है 210 रुपए किलो, 210 रुपए। और 210 रुपए के अंदर भी एक दो किलो में, अच्छा 25 किलो की बोरी लेंगे तो उसमें 195 रुपए किलो पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और ये है भी पुराना चावल, सही, यानी कि पकने में भी सही है, साबुत चावल है, पकने में भी ओके होता है, आधा घंटा और पुराना चावल है। अब ये सारे पुराने चावल है, तो अगर पुराने चावल आपको लेने हैं तो जल्दी जल्दी आना शुरू कर दें, क्योंकि अभी अगले महीने से फिर सारा नया चावल आना शुरू हो जाएगा। तो जो जो पुराना चावल खाने के शौकीन है वो फटाफट आना शुरू हो जाए, बस के अच्छे चावल जो है वो कम प्राइस में नहीं, कम प्राइस में बिरयानी वाले अच्छे चावल। जी तो ये बिरयानी के स्पेशल चावल होते हैं, देखिये पकने में भी अच्छे हैं काफी। ये देखिए इसकी लेंथ चावल है जी, ये पाकिस्तान के लंबे तरीन चावल है ये जी, और 340 रुपए किलो है। अच्छा। और 25 किलो के बैग में अगर लेते हैं तो उसमें 320 रुपए पड़ता है। इसका बैग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर यही चल रहा है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो चल रहा है ना, देखे जी मार्केट में 460 रुपए, 480 रुपए किलो, 500 रुपए किलो भी चल रहा है। ठीक है, ये 400 रुपए में वो चावल है जो मार्केट में 480 रुपए, 480 दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास 400 रुपए और 25 किलो के बैग में 380 रुपए पड़ रहा है। तो मतलब इस्तेमाल के लिए फिर ये होते हैं, देखे ये 160 रुपए, 160 रुपए बी टू होता है, ये बी टू गुल्लूर वालों का बी टू है, 160 रुपए किलो है, 25 किलो के बैग में 148 रुपए किलो पड़ता है, 148। इसकी भी लेंथ चेक कर ले। अच्छा, पकने में भी ये सही है। ये जो स्पेशल बिरयानी के चावल होते हैं ना जी जी, उसी का निकला हुआ होता है, ये उसी का टूटा हुआ होता है। ठीक है, और ये जैसा नजर आता है ऐसे ही नहीं पकता, इससे डबल हो जाता है ये। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना लंबा भी मांगते हैं और सस्ता भी मांगते हैं ना, तो उनके लिए ये आया हुआ है दागी चावल। ये दागी चावल होता है, ये वही जो 300-350 रुपए किलो होता है ना, सही उसी का दागी होता है। पकने में अच्छे होते हैं ये भी ना जी, दागी चावल। ये 290, ये बिल्कुल साफ सुथरा छन्ना लगा हुआ माल होगा। ये 290, ये भी दागी खिलाएगा, ये भी दागी चावल है। ये भी शॉर्ट ग्रीन ही बहुत चलता है, शॉर्ट ग्रीन में मेरे पास तीन वेराइटीज है, एक तो 240 है, एक ये 260 है, एक ये 280 है, ये तीनों शॉर्ट ग्रीन होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें 19-20 साइज का फर्क होता है। ये शॉर्ट ग्रीन जो है वो 240 वाला है, कट्टे में 228 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, इससे ऊपर में शॉर्ट ग्रीन ये वाला है 260 रुपए, कट्टे में 248 रुपए किलो पड़ता है। सही, और एक ये शॉर्ट ग्रीन है, ये 280 वाला है, शॉर्ट ग्रीन तो है, लेकिन ये तो शॉर्ट ग्रीन ऐसा है कि बिल्कुल साबुत के जैसा जी, इसको राइस वन राइस टू भी साबुत ही है जी। अच्छा, राइस वन और राइस टू भी कहते हैं जी। सेला चावल के स्टार्टिंग प्राइस है, बारीक से चावल है ना जी, बहुत देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। ये सेला चावल 260 रुपए किलो, 260 जी, और बोरी में 225 रुपए, 250 रुपए किलो पड़ेगा। ये बोरी में जो है वो 270 रुपए पड़ेगा। ठीक है, ये पाकिस्तान के जो लंबे तरीन चावल होते हैं, लंबे तरीन चावल, तो ये उसी का सेला ही है, 320 रुपए किलो है, 25 किलो के बैग में जो है वो 300 रुपए पड़ेगा। सही। अच्छा, इसके अलावा जो ना देखे, ये हमारे पास ये हलीम मिक्स भी होता है, ये हलीम मिक्स हम बना के रखते हैं, ये हम खुद ही बनाते हैं, साफ सुथरा हलीम मिक्स होता है, 150 रुपए का आधा किलो का पैकेट होता है। सही सही है ना। और कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलती, बहुत कम जगहों पर मिलती हैं, वो ये दालें होती हैं, देखें जैसे साबुत मूंग है, ये मूंग छिलका है, ये जौ का दलिया है, सही, जैसे साबुत माश है, देखें साबुत माश है, ये काली माश है, ये इस तरह की चीजें होती है ना, ये हर जगह पर नहीं मिलती, तो इसलिए दिखा रहा हूं। बेहतरीन क्वालिटी, यानी कि साफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा व्लॉगर, कैसे हैं आप सब लोग भाई। आज हम आपको लेकर आए आसिफ भाई की न्यू शॉप पर, जिसका नाम है हसन राइस। इससे पहले हम आपको आसिफ भाई की पहली वाली शॉप की भी काफ़ी वीडियोस दिखा चुके हैं, और आप जानते हैं कि आसिफ भाई बेहतरीन क्वालिटी के चावल के लिए मशहूर हैं, और क्योंकि उनके पास बहुत ही उमदा और पाकिस्तान का सबसे लंबा तरीन चावल भी मिलता है, और उसके प्राइस भी होल सेल में बहुत ही मुनासिब होते हैं। तो भाई इस बार तो उन्होंने अपने ही दिए गए चावलों के रेट के मजीद रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और वो रेट दे दिए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो आज हम आपको उनके पास लाए हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिफ भाई? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले हमारे व्यूअर्स को ये आपकी न्यू शॉप ओपन हुई है, तो इसका एड्रेस सही से समझा दें। जी, ये नई शॉप हमने बनाई है नागन चौरंगी पर जी, तो मेन नागन चौरंगी पर आएंगे तो मेन नागन चौरंगी के ऊपर इकबाल प्लाजा फेस टू है जी, इकबाल प्लाजा फेस टू में हसन राइस के नाम से है शॉप नंबर 37 जी। ये नागन चौरंगी के ऊपर एक मशहूर
पार्क बना हुआ है बीएम्मा पार्क जी। तो बीएम्मा पार्क के सामने वाली गली है, उसमें राजपूत मिल्क शॉप है, माल राजपूत मिल्क शॉप वाली गली के अंदर आप आएंगे तो इकबाल प्लाजा फेस टू के नीचे पड़ेगी, शॉप नंबर 37 हसन राइस के नाम से। सही, तो भाई हसन राइस की ये शॉप न्यू ओपन हुई है, तो अभी आप देखते हैं कि इनके पास क्या कौन कौन से राइस किस प्राइस में मिल रहे हैं। देखिए राइस तो हमारे पास जो है ना, राइस हमारे पास हर तरह के होते हैं जी, कम से कम 160 रुपए से लेकर 400 रुपए तक होते हैं। अच्छा। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा मसला है ना लोगों के साथ, आजकल सबसे बड़ा मसला तो ये हो रहा है कि जब जब से यानी कि महंगाई शुरू हुई है ना जी, तो सबसे बड़ा मसला तो ये हो रहा है कि लोगों को कम पैसों में अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही। सही, तो सबसे पहले ये कि जो अच्छी क्वालिटी है ना वो पहले दिखा दूं जी, ताकि ज्यादातर जिन लोगों को ज्यादातर जो नीड है ना वो इसी की है कि अच्छे चावल जो है वो कम प्राइस में नहीं मिल रहे। कम प्राइस में बिरयानी वाले अच्छे चावल जी, तो ये बिरयानी के स्पेशल चावल होते हैं देखे जी, ये वाले 300 रुपए देखे, 300 रुपए में, ये 300 रुपए किलो में, लंबे भी हैं, बारीक भी हैं और पकने में भी अच्छे हैं। काफी, ये देखें इसकी लेंथ चावल है, ये 300 रुपए किलो होते हैं। सही सही ना, डबल स्टीम में होते हैं और पुराने चावल हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा ये इससे और ऊपर में फिर ये होते हैं देखें, ये 340 रुपए, ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, ये देखें 340 रुपए में मिल रहे हैं जी। ये पाकिस्तान के लंबे तरीन चावल है ये जी, और 340 रुपए किलो है, और 25 किलो के बैग में अगर लेते हैं तो उसमें 320 रुपए पड़ता है। इसका बैग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये वाला बैग है इसका, ये ब्लू अम्मार, ये जो ब्लू अम्मार का जी, अम्मार ब्लू होता है। सही, और इससे और ऊपर के अंदर जो है यानी कि ये पूरे बैग में जो लेंगे तो 320 रुपए एक किलो पड़ेंगे, ठीक है। और वैसे 340 जी, इसी तरीके से ये भी देखें, ये 360 रुपए, अच्छा ये 360 रुपए, ये 360 है जी, 25 किलो के बैग में 340 रुपए पड़ता, ठीक है। इससे और ऊपर में फिर ये होता है देखे 380 रुपए वाला, सही, ये 380 है, 25 किलो के बैग में 360 रुपए किलो पड़ता है, ठीक है। तो जिस तरह इसके रेट बढ़ रहे हैं इसी तरह इसकी क्वालिटी में भी फर्क है, पकने में क्वालिटी में भी फर्क होता है, और सबसे ऊपर में फिर ये देखें 400 रुपए, 400 रुपए जी, यानी कि अभी अभी तक जो मार्केट में सबसे ऊपर यही चल रहा है, सबसे ऊपर सबसे ऊपर जो चल रहा है ना देखें जी, मार्केट में 460 रुपए, 480 रुपए किलो, 500 रुपए किलो भी चल रहा है, ठीक है। ये 400 रुपए में वो चावल है जो मार्केट में 480 रुपए, 480 दिया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 400 रुपए और 25 किलो के बैग में 380 रुपए पड़ रहा है। तो देखे ये चावल आपको जो यहाँ पे 400 मिल रहे वो मार्केट में आपको 480 अब कुछ, ये होता है ना देखें, ये अब जैसे ये 340 वाला चावल है ना, ये 340 वाला वो चावल है जो आम परचून की दुकान में 360 रुपए और 380 रुपए बिकता है। अच्छा। ये तो हमारी होलसेल की दुकान है ना, तो इसलिए 340 रुपए किलो, 340 और 25 किलो के बैग में 320 पड़ेगा, हो जाएगा। आम परचून की दुकान पे जो 340 रुपए किलो बिकता है ना जी, वो हमारे पास 300 रुपए किलो है, 300 रुपए मिल रहा है, ये 300 रुपए और 25 किलो के बैग में 280 रुपए किलो पड़ेगा, ठीक है। और जो आम परचून की दुकानों पे 360-380 बिकता है वो हमारे पास 340 है, 340 यानी कि कोई भी आप पूरा अगर बैग लेते हैं तो उसमें आपको उसमें भी रोड कम कर देंगे जी, 340 वाला है पर केजी 25 किलो में 320 रुपए पड़ेगा, सही। और इसी तरीके से फिर आम रोजमर्रा इस्तेमाल के होते हैं देखें, आम रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए फिर ये होते हैं देखें, ये 160 रुपए, 160 रुपए B2 होता है, ये B2 गुल्लूर वालों का B2 है, 160 रुपए किलो है, 25 किलो के बैग में 148 रुपए किलो पड़ता है, 148। इसकी भी लेंथ चेक कर ले, अच्छा पकने में भी ये सही है, ये जो स्पेशल बिरयानी के चावल होते हैं ना जी जी, उसी का निकला हुआ होता है, ये उसी का टूटा हुआ होता है, ठीक है। और ये जैसा नजर आता है ऐसे ही नहीं पकता, इससे डबल हो जाता है, सही। और इससे और बड़े के अंदर, इससे और बड़े में फिर ये होता है देखे, ये 180 रुपए किलो है, ये 180 जी, 180 है, 25 किलो के बैग में 168 रुपए किलो पड़ता है, 168 का पड़ेगा। इससे और ऊपर में फिर ये होता है देखें, ये वाला, ये देख लें, ये देखें 220, ये B1 होता है देखें, ये गुल्लूर का B1 है ये जी, ये चेक करें, गुल्लूर का 220 रुपए किलो है, 25 किलो के बैग में 208 रुपए किलो पड़ता है। अच्छा अच्छा, अभी ये बताएं कि अभी आपके पास सबसे कम कीमत में कौन सा है? सबसे कम कीमत में साबुत चावल जो है ना, साबुत चावल, हाँ जी, साबुत चावल में स्टार्टिंग प्राइस जो है ना, वहाँ पर ये है देखें, ये स्टार्टिंग प्राइस है साबुत चावल में, ये 210 रुपए किलो है, ये तो बिल्कुल साबुत है, और 210 रुपए किलो जी, साबुत चावल है 210 रुपए किलो, 210 और 210 रुपए के अंदर भी एक दो किलो में,
अच्छा, अगर 25 किलो की बोरी लेंगे तो उसमें 195 रुपए किलो पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और ये है भी पुराना चावल। सही, यानी कि पकने में भी सही, साबुत चावल है, पकने में भी ओके होता है, आधा घंटा सही, और पुराना चावल है। ठीक है, तो भाई देखें 210 आपको मिल रहा है, बहुत ही जबरदस्त सस्ता तरीन चावल। ठीक है, बहुत से लोग जो है ना लंबा भी मांगते हैं और सस्ता भी मांगते हैं ना, हाँ। तो उनके लिए ये आया हुआ था दागी चावल। ये दागी चावल होता है, ये वही जो 300-350 रुपए किलो होता है ना, सही, उसी का दागी होता है। ये पकने में अच्छे होते हैं ये भी ना। जी, दागी चावल होता है ना, पुराने चावल होते हैं, 250 रुपए किलो पड़ता है। सही, वाइट में तो 300-350 रुपए किलो। दागी में कचरा तो नहीं होता? कचरा नहीं होता, लेकिन ये पुराने कहते हैं किसी की चावल में जाला आया था, इस तरह जाता है, तो बस ये होगा। बगैर जाला चाहिए तो बगैर जाला किलो मिल जाएगा। ये देखे, ये होता है, ये बिल्कुल साफ सुथरा होता है। ये 290, ये बिल्कुल साफ सुथरा छन्ना लगा हुआ माल होगा। अच्छा, ये 290, ये भी दागी खिलाएगा, ये भी दागी चावल है, मगर ये तो साफ लग रहा है, लेकिन ये ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि दागी जी। पकने में बिल्कुल वाइट अच्छा है। 290 रुपए किलो है ये, 290 रुपए किलो है, 290 रुपए किलो है, और अगर कोई कट्टा लेगा ना तो उसमें 270 रुपए पड़ जाएगा, 270 हो जाते। अच्छा, इसके अलावा जो है ना फिर ये शॉर्ट ग्रीन होता है, देखे एक शॉर्ट ग्रीन होता है, ये भी शॉर्ट ग्रीन ही बहुत चलता है। शॉर्ट ग्रीन में मेरे पास तीन वैरायटीज है, एक तो 240 है, एक ये 260 है, एक ये 280 है, ये तीनों शॉर्ट ग्रीन होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें 19-20 साइज का फर्क होता है। सही, ये शॉर्ट ग्रीन जो है वो 240 वाला है, कट्टे में 228 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, इससे ऊपर में शॉर्ट ग्रीन ये वाला है 260 रुपए, कट्टे में 248 रुपए किलो पड़ता है। सही, और एक ये शॉर्ट ग्रीन है, ये 280 वाला है, शॉर्ट ग्रीन तो है, लेकिन ये तो शॉर्ट ग्रीन ऐसा है कि बिल्कुल साबुत के जैसा है जी। इसको राइस वन राइस टू भी साबुत ही है जी। अच्छा, राइस वन और राइस टू भी कहते हैं जी। ठीक है, शॉर्ट ग्रीन, लेकिन ये बड़े साइज में शॉर्ट ग्रीन है ना। सही, तो ये बिल्कुल साबुत जैसे पक जाता है, तो उसको राइस वन राइस टू भी बोलते हैं। और इसके अलावा सेला चावल मिल जाएंगे, सेला चावल दिखाया था, चले सेला चावल में देखें। सेला चावल में स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से शुरू होते हैं 260 रुपए से। अच्छा, ये सेला चावल के स्टार्टिंग प्राइस है, बारीक से चावल है ना जी, बहुत देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। ये सेला चावल 260 रुपए किलो, 260 जी, और बोरी में 225 रुपए, 250 रुपए किलो पड़ेगा। ठीक है, सही है ना, और इससे ऊपर में फिर ये सेला चावल ये 290 रुपए किलो है, ये 290 रुपए, ये बोरी में जो है वो 270 रुपए पड़ेगा। ठीक है, इससे और ऊपर में सेला चावल देखें, ये वाला है, ये 320 रुपए, ये सबसे लंबा सेला चावल है, ये पाकिस्तान के जो लंबे तरीन चावल होते हैं ना, चावल तो ये उसी का सेला ही है, 320 रुपए किलो है, 25 किलो के बैग में जो है वो 300 रुपए पड़ेगा। सही, 300 रुपए जी। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको, अभी ये जितने भी चावल चल रहे हैं ना अभी हमारे पास, अभी ये सारे पुराने चावल है, तो अगर पुराने चावल आपको लेने हैं तो जल्दी जल्दी आना शुरू कर दें, क्योंकि अभी अगले महीने से फिर सारा नया चावल आना शुरू हो जाएगा, तो जो पुराना चावल खाने के शौकीन है वो फटाफट आना शुरू हो जाए बस। बस तो जल्दी जल्दी इनसे रابطہ करें, क्योंकि पुराने चावल बहुत कम मिलता है वैसे। सही, और इसके अच्छा इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा फिर हमारे पास दालें भी सारी मिल जाएंगी जी। दालें भी सारी साफ सुथरी होंगी, इसी तरीके से चने की दाल है 350 रुपए किलो है जी। सही है ना, मूंग की दाल है 340 रुपए किलो है, 340 लाल मसूर है 290 रुपए किलो है, और क्वालिटी भी चेक कर लें, क्वालिटी भी अच्छी है, और सब चीजें साफ सुथरी है, मतलब उसमें ना कुछ मुझे कचरा वचरा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये चने मिल जाएंगे, देखें ये 320 रुपए किलो है, 320 रुपए चने जी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो ना देखें, ये दालें भी सारी होती है वहाँ पे, ये सारी आधा आधा किलो की पैकिंग में होती है दालें, मूंग मसूर माश। अच्छा, कुछ दालें ऐसी होती हैं जो हर जगह पर नहीं होती, जैसे काली माश हो गई, ये साबुत माश हो गई, साबुत मूंग हो गई, हरी माश हो गई, अरहर की दाल है, जौ का दलिया है, तो ये सारी दालें भी हमारे मौजूद होती हैं, जैसे वाइट लोबिया है, लाल लोबिया, रेड बीन्स भी बोलते हैं, वाइट का किलो की पैकिंग के अंदर है जी। सही है, और इस तरफ आ जाए तो इस तरफ ये एक एक किलो वाली पैकिंग में, सही है ना। और इसके अलावा हमारे पास दालें वो भी होती हैं जो दालें आपको पूरी मार्केट में बहुत मुश्किलों से लोगों को मिलती हैं, वो दालें भी हर जगह नहीं मिलती वो दालें, जैसे ये काली माश हो गई, सही, साबुत माश हो गई, ये साबुत मूंग है, हरी माश है, अरहर की दाल है, जौ का दलिया है, तो ये वो चीज होती है जो हर जगह पर नहीं मिलती।
इसके अलावा ये हलीम मिक्स भी होता है हमारे पास। अच्छा ना, और इसके अलावा व्हाइट लोबिया होता है, लाल लोबिया होता है। सही। और ये पाँच पाँच किलो वाले बैग जो नजर आ रहे हैं, हाँ ये जो पाँच पाँच किलो वाले बैग है ना, ये वो बैग है कि अगर आप कोई सा भी पाँच किलो चावल लेते हैं ना, तो वो हम इस कपड़े की थैली में डाल के देते हैं, बैग में पैक करके आपको देते हैं। ठीक है जी, सही। और इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा जो ना देखें, ये हमारे पास ये हलीम मिक्स भी होता है। ये हलीम मिक्स हम बना के रखते हैं, ये हम खुद ही बनाते हैं, साफ सुथरा हलीम मिक्स होता है, 150 रुपए का आधा किलो का पैकेट होता है। सही सही है ना। और कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलती, बहुत कम जगहों पर मिलती हैं, वो ये दालें होती हैं देखें, जैसे साबुत मूंग है, ये मूंग छिलका है, ये जौ का दलिया है। सही। जैसे साबुत माश है देखें, साबुत माश है, ये काली माश है, ये इस तरह की चीजें होती है ना, ये हर जगह पर नहीं मिलती, तो इसलिए दिखा रहा हूं। बेहतरीन क्वालिटी यानी कि साफ सुथरी बिल्कुल। जैसे ये लाल लोबिया, लाल लोबिया आ गया है, लाल लोबिया हो गया, व्हाइट लोबिया, ये सफेद लोबिया हो गया देखें। अच्छा, प्राइस सफेद लोबिया है, ये अरहर की दाल है जी। और ये एड्रेस भी इसके ऊपर लिखा हुआ है देखें, एड्रेस भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट सब कुछ जी। ठीक है, तो अच्छा अब हमें बताएं कि आपसे कोई अगर ऑनलाइन मंगाता है तो फिर आप क्या भेजेंगे, या कोई आपसे डिमांड करता है भाई? अच्छा नहीं देखें, ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा करा है। असल में मसला ये होता है, आजकल मार्केट में हो क्या रहा है, आजकल मार्केट में ये हो रहा है कि भाई डिलीवरी फ्री हो जाएगी, हाँ। एक दिन में डिलीवरी भेज देंगे, 10 मिनट में डिलीवरी भेज देंगे, डिलीवरी आपको फ्री कर देंगे। अब वो आपको तो पता है कि आजकल हर कोई जो ना फ्री के नाम से हर कोई शुरू हो जाता है कि भाई यूट्यूब पे देगा कि हाँ भाई डिलीवरी फ्री है, फौरन फोन उठाया और मैसेज कर दिया डिलीवरी फ्री है। अब वो होता क्या, वो होता ये है कि 380 रुपए किलो चावल होता है, 400 रुपए किलो चावल होता है, आपने ऑर्डर दे दिया, और जब आपके पास वो चावल आता है ना, तो वो चावल होता कौन सा है, वो चावल यही होता है देखे, 340 वाला, ये देखे, मतलब वो उसका उसमें निकाल लेते हैं, ये 340 रुपए किलो चावल होता है जी, यही चावल आपको 380 रुपए किलो और 400 रुपए किलो मिलता है, सही, सही। फ्री डिलीवरी के नाम पर वो पैसे वहाँ आ जाते जी, तो वो बात एक ही पड़ती है। तो भाई आप आकर खुद मुतमइन होकर आप ले जाए, तो डिलीवरी के चक्कर में ना रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। सही। तो भाई देखें, यहाँ पर हमने आपको तमाम पूरा इनका ऑनलाइन का प्रोसीजर भी बता दिया कि ये नहीं करते, क्योंकि उसमें काफ़ी फ्रॉड वगैरह भी हो जाते हैं और इस तरह के मसले आ जाते हैं। तो बेहतर है आप शॉप का विजिट करें, शॉप इनकी एक यूपी पे भी है, एक शॉप जो है ना वो यूपी में नॉर्थ कराची यूपी सराफा बाजार में उदयपुर राइस के नाम से, और दूसरी शॉप ये नागन चौरंगी पर है हसन राइस के नाम से, इकबाल प्लाजा फेज 2 में, शॉप नंबर 37। सही। स्क्रीन पर चल रहा होगा मेरा, आप मैसेज कर दें, दोनों दुकानों के नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई नंबर स्क्रीन पे चल भी जाएगा, तो आप इनसे रابطہ कीजिए और देखें चावल की हमने कितनी बेहतरीन वैरायटी आपको दिखाई है, वो वैरायटी आपको दिखाई जो मार्केट्स में डबल रेट्स में मिल रही होती है, और इनके पास होलसेल से भी कम रेट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा और बेहतरीन क्वालिटी में। तो इसी तरह देखते रहे हमारे चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं इसी तरह की अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।